ये देखिए यशिका कितने अच्छे से नहाती हैं, देखिए कैसे एंजॉय कर रही है यशिका पानी को। मम्मा पानी और डालो। ये देखिए यशिका के नहाने की हमने तैयारी कर रखी है, इसमें हमने ब्लैंकेट इसमें नीचे से लगाया, ऊपर से हमने। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यशिकास केयर पर। आशा करते हैं आपकी प्रेगनेंसी लाइफ और पेरेंटिंग लाइफ दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम यशिका की नहाने की वीडियो बनाएंगे। जैसा अभी तक आप मेरी वीडियोस में देख रहे हैं कि पीछे जो मौसम है आज वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए और आपको भी मौसम का मज़ा दिलाया जाए। आज हम यशिका की जो नहाने की वीडियो है, जैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, वो बनाएंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जब यशिका 3 मंथ्स की थी तब बनाई थी। अब यशिका जो है, यशिका को 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आज हम बना रहे हैं वीडियो। तो यशिका को अब हम किस तरीके से नहलाते हैं और किस तरीके से शुरुआत करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप यशिका की मस्ती और मौसम के मज़े दोनों का मज़ा ले सकें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यशिका 7 मंथ यशिका कंप्लीट हो चुका है और यशिका अब आराम से अच्छे से बैठ लेती हैं। अब देखिए हम यशिका की जो है पहले मालिश करेंगे नहलाने से पहले। मालिश करने के बाद जो बच्चे की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो इस वजह से एकदम से उसको नहलाना सही नहीं है। तो आइए हम मालिश शुरू करते हैं। जो बच्चे की मालिश है वो हम, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, पैरों से स्टार्ट करते हैं। देखिए यशिका के पैरों पर हम मालिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। पहले हल्का सा ऑयल हमने यहाँ लगा दिया है। अब दोनों पैरों में रोटेशंस करते हुए अपनी अंगूठे से रोटेशन करिए और रोटेशन करते हुए इस तरीके से उसके पैरों के निचले हिस्से को मसाज कीजिए। ये देखिए ऐसे भी अच्छे से भी कर सकते हैं ये। उसकी उंगलियों को हल्का हल्का ऊपर को खींचिए, हल्का हल्का सा। देखिए यशिका आज भी अपनी मालिश को कितना इंजॉय करती हैं। वो मालिश कर रहे हैं, आप यशिका की मस्ती को इंजॉय कीजिए। बच्चे की जब भी आप मालिश करें तो ऐसे राउंड ऐसे रोटेशन कीजिए, ऐसे रोटेट करते हुए बच्चे की मालिश कीजिए और हल्का सा नीचे को खींचिए। बच्चे की मालिश करते हुए ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए हमारे हाथों पर। ये देख सकते हैं अब यशिका कितने चेंजेस आ रहे हैं और यशिका क्या क्या बोलना सीखी हैं करते हुए पीछे को, और ऐसे पैरों को ऐसे करता हो हल्के से। फिर जब पैरों की मालिश कर दे तो ऐसे कीजिए, इससे बच्चे की गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कोई भी चीज़ हो, ये एक्सरसाइज बच्चे की पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये एक बार पैरों को बच्चे के ऐसे लगाइए सर पे, फिर हल्का सा खींचिए, फिर सर पे लगाइए, फिर खींचिए, हल्के से साइकिलिंग कराइए। टमी पे करने से पहले आप हल्का सा ऑयल जो है बच्चे की नाभि पे रख दीजिए एंड देन अपने हाथों में रब करते हुए ये आप पेट की इस तरीके से मालिश कीजिए, जिससे बच्चे की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। यशिका की कितनी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। इससे पहले जब मैंने मालिश की थी यशिका सिर्फ हल्का सा चिल्लाती थी, हल्का हल्का बोलती थी। अब यशिका बहुत सारे साउंड निकालती हैं अपने। अब यशिका बड़ी हो चुकी हैं एक्चुअली, तो यशिका ज़्यादा टाइम एक ही पोजीशन में रहती नहीं है। अब यशिका फिर से बैठ जाएंगी, मालिश कीजिए। बच्चे का सर गोल करने के लिए भी आप यूँ हल्के हल्के ऐसे से शेप दे सकते हैं, यूँ चारों तरफ से हल्की हल्की, जिससे क्या होता है हेड मसाज के टाइम पे बच्चे का सर जो है वो राउंड रहता है। ये देखिए अब हमने यशिका को क्या है रोटेट कर दिया। ये देखिए कितनी रिलैक्स हो गई है हल्के हल्के हाथों से यूँ। देखिए यहाँ पे दो आपके होल होंगे बच्चे के, यहाँ पे हल्का सा उसको प्रेस कीजिए हल्का सा, फिर रीढ़ की हड्डी पे यूँ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से यूँ यूँ यूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 यशिका की मालिश के बाद अब हम 10 से 5 मिनट का रेस्ट लेंगे ताकि यशिका की जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाए एंड उसके बाद हम यशिका नहलाएंगे। तब तक आप यशिका की थोड़ी सी जो मस्ती है उसको एंजॉय कीजिए। यशिका किस तरीके से अंगूर की बेल के साथ खेल रही हैं आप वो एंजॉय कीजिए। तब तक कुछ टाइम पहले अंगूर के गुच्छे थे जो यशिका ने सारे खा लिए। ये देखिए बच्चे को जब भी आप नहलाएं तो उसकी पहले नीचे की बॉडी जो है उससे शुरुआत करें, एकदम से सर पे पानी ना डालें। अभी यशिका को हमने यशिका को पानी डाल दिया, अभी यशिका के साबुन लगाएंगे। अब यशिका इजीली बैठ जाती हैं तो वो यहाँ बैठ रखी होती हैं और हम यशिका को अच्छे से नहलाते हैं। देखिए यशिका, आप इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि जो 7 मंथ कंप्लीट बच्चा है, मतलब जो भी 8 मंथ में स्टार्ट हुआ है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर लेता है। जैसे यशिका आप थोड़ा सा बोलती हैं ज़्यादा नहीं, और इतना मूवमेंट होगा यशिका का, मूवमेंट भी देख सकते हैं। देखिए पीछे चिड़ियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल साउंड है, उन सबको आप इस वीडियो में इंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से आप हर एक बॉडी पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। पहले अच्छे से लोअर बॉडी को ही आप क्लीन करेंगे। बच्चे के हर एक जॉइंट को आप अच्छे से जो है वो साफ करेंगे। पानी डालते हुए आप ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो बच्चे के कानों में ना जाए। अब आएगी सर की बात। देखिए सर को नहलाते वक्त आप हल्का सा साबुन जो है अपने जो भी आप यूज़ करें वो अपने हाथों में लें, फिर सर पे लगाएं हल्का हल्का। आप देख सकते हैं यशिका खुद नहाना चाह रही है, उन्होंने खुद ही सोप पकड़ लिया है। लो यस 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 बॉडी पे यस 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 रब करो रब। बच्चा वैसे हर एक चीज़ मुंह में डालता है तो इसलिए अभी सेफ नहीं हुआ बच्चे को देना। अच्छे से क्लीन कीजिए देखिए हर एक चीज़ को, हल्के हल्के सर पे जो है चंपी भी कीजिए। देखिए सर पे पानी डालें तो पीछे से स्टार्ट करें ताकि जो साबुन है वो बच्चे की आंखों में ना जाए। जब मुंह में पानी आए तो बालों को एकदम से आप पीछे कर दीजिए। ये देखो यशिका ने नहा लिया। अब देखिए आप यशिका किस तरीके से पानी को एंजॉय करती हैं। यशु देख सकते हैं अब यशिका नहा चुकी हैं। अब नहाने के बाद यशिका को हम हल्का सा उनका सर जो है वो सूखने देंगे धूप में, और ये है जो टॉवल उसको हल्का सा कवर करके रखेंगे ताकि उसका जो पानी है वो अपने आप ही सूख जाए, क्योंकि बच्चे की बॉडी को रब नहीं करा जाता है। ये देखिए यशिका भी बता रही है हाँ मेरी बॉडी को रब मत करो। यशिका सबको बोलो मैंने नहा लिया। इसी भी देख सकते हैं थोड़ी देर धूप में इनका सर जो है वो सूखेगा, इसलिए हमने हल्का सा जो हेड है उसे ओपन रखा है। नहाने के बाद हम यशिका की फिर से मालिश करेंगे और यशिका को रेडी करेंगे, फिर हम दिखाएंगे आपको। अगर बच्चे को जुखाम है तो आप, मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। सोप वगैरह चला गया तो आप इस तरीके से बच्चे को नहलाने के बाद ज़रूर साफ करें। यस अभी यशिका ने आप देख सकते हैं नहा लिया है। यशिका की फिर से मालिश हो रही है और मालिश फिर से हम पैरों के साथ ही शुरू करेंगे। यशिका का जो हेड है वो हल्का सूख चुका है, इसलिए हमने बॉडी भी जो है वो हल्की हल्की सूख गई है। अब हम हल्की सी यशिका की मसाज करेंगे। आपने देखा यशिका ने मालिश की, नहाया एंड देन उसकी अगेन मालिश हुई, यशिका ने कपड़े भी पहन लिए। अब यशिका जो है सोने को तैयार है। अब यशिका को ब्रेस्ट मिल्क पिलाएंगे और उसके बाद यशिका सो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय से बाय यशिका।